अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू डू योर ऑक्सफर्ड रीडिंग ट्री सिक्स इन अ बेड. वी आर गोइंग टू रिवाइज इट एज वी हैव डन इट बिफोर यस्टरडे. सिक्स इन अ बेड, ओपन पेज नंबर वन. डिड यू रिमेंबर किपर एंड हिज मॉम एंड डैड? मॉम एंड डैड, दे आर इन द बेड एंड दे आर रीडिंग एंड किपर इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर विद अ बुक. व्हाट यू कैन सी इन द पिक्चर? मॉम एंड डैड. मॉम एंड डैड आर they are about to sleep, I think so, and they are reading a book. They both are reading a book. I think they are enjoying reading. And Kipper is standing in the corner. I think he wants to join his mom and dad for reading. What do you think? Yes, I think so. Come on, all of you, tell me. Okay, you have to read with your this book with your mom and dad. Now we are going to do page number 2 today. Mom, Kipper and Dad. Yes, Mom, Kipper and Dad, they are in the bed and they are reading book. And I think they are enjoying it very much. What do you think? Yes, it's a new page. Yes, Mom, Dad and Kipper is in the middle and they all are reading book. Who's standing there in the corner? Mom and... Yes, I think he wants to join them. He is Chip. Allah Hafiz. Assalamu alaikum children. Let's revise letter G. And the sound is G. The sound is G. G goose. G goose. G goat. G goat. G gate. G gate. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Today we are going to do English notebook. Ask your mummy to help you to write date and day. Read caption with me. Face, white and color. Okay, which alphabet is this? G. Uppercase G and lowercase G. And what is the sound? G. What is the sound? G. G grass. Okay, face with me. Turn. Go up, go left, come back and go down. Again, turn. Go up, come down and turn. Complete the rest of the line. Auntie will tell you how to write uppercase letter G. Turn, go up, go left, come back and go down. Again, lowercase letter G. Turn, go up, come down and turn. Again, turn, go up, go left, come back and go down. Again, turn, go up, come down and turn. Complete the rest of the page and color the picture. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब कैरियर अच्छे होंगे. आज हम को आपकी नोटबुक में काम करेंगे. सबसे पहले अपनी मम्मी की मदद से यहाँ पे तारीख लिखें और यहाँ पर दिन लिखें. आज हम करेंगे बे के ख़ानदान की आधी शक्ल. क्या करेंगे? बे के ख़ानदान की आधी शक्ल. जैसा कि मैं आपको कुछ दिखाती हूँ. जैसा कि हमारे पास ये बे है, ये बे पूरा है, ये बे की पूरी शक्ल है. बे की कौन सी शक्ल है? पूरी शक्ल है. इसी तरह अगर हम इसको आधा कर दें, यहाँ तक इसको हम छुपा दें, देखें ये हमने छुपा दिया, तो ये क्या हो गया? ये बे की आधी शक्ल हो गई. ये बे की आधी शक्ल हो गई. अब हम लिखते हैं, नुक्ते से नीचे आइए और फिर यूं साइड पर बे बनाइए. इसी तरह बे, नुक्ते से नीचे आइए और फिर यूं साइड पर बे बनाइए. इसी तरह पे है, इसी तरह ये पे है. पे की आधी शक्ल कैसे होगी? पे भी बिल्कुल बे की तरह होगा. यहाँ से हम इसको आधा कर देंगे तो ये पे की आधी शक्ल होगी. पे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं. तो चले अब हम पे लिखते हैं. पे के नीचे 3 नुक्ते. नुक्ते से लिखिए पे के नीचे
तीन नुक्ते। इसी तरह हम ते की आधी शक्ल करेंगे, ये हमारे पास ते की पूरी शक्ल है, ये हमारे पास ते की पूरी शक्ल है, ते के ऊपर दो नुक्ते। जब हम ते को आधा करेंगे तो इसकी आधी शक्ल इस तरह होगी। अब हम लिखते हैं, नुक्ते से शुरू कीजिए और यूं कर कर यूं कीजिए। ते, ते के ऊपर दो नुक्ते, ते, ते के ऊपर दो नुक्ते। इसी तरह हम ते की आधी शक्ल लिखेंगे, ते भी बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे जैसे हमने बे पे और ते लिखा। ते पे सिर्फ ये होगा कि छोटी तोय आएगी। इसको हम आधा करेंगे तो ये भी बिल्कुल ते की तरह होगा। अब हम ते लिखते हैं, टे, टे पे छोटी तोय, टे पे छोटी तोय। अब हम से लिखते हैं, से, से को आधा करेंगे तो से भी बे पे और ते की तरह होगा, तो सिर्फ से के ऊपर तीन नुक्ते होंगे। अब हम से लिखते हैं, से के ऊपर तीन नुक्ते, से के ऊपर तीन नुक्ते। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, टुडे वी आर गोइंग टू डू मैथ्स मोर फॉर अस पेज नंबर 42। आस्क योर मम्मी टू हेल्प यू टू राइट डेट एंड डे। रीड कैप्शन विद मी, शॉर्ट एंड लॉन्ग। शॉर्ट एंड लॉन्ग, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट। रीड विद मी, कलर द शॉर्ट फॉर्म। इज इट शॉर्ट? No, here it is. Read with me, color the long letter. Is it long? No, here it is. اللهم رب زدني علما، اے میرے رب مجھے علم زیادہ دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی کلاس میں ہم یاد کریں گے نماز، اور نماز میں یاد کریں گے سورۃ الفاتحہ۔ تو پہلے تعوذ و تسمیہ پڑھیں گے، پڑھیے۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 2، حصہ 2، نماز۔ سورة الفاتحة۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط
मुस्तकीम। दोबारा दोहराते हैं, सूरतुल फातिहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इह्दिनस सिरात वल मुस्तकीम। ठीक है बच्चों, अब आप इसको दोहराइए, याद कीजिए, फियामानिल्लाह।